बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अक्सर ही सुर्खियों में रहते हैं। हाल ही में अपनी दो दिवसीय कथा के लिए ये मध्य प्रदेश के खंडवा जिले पहुंचे थे, जहां एक बार फिर बाबा बागेश्वर धाम ने व्यासपीठ से हिंदू राष्ट्र बनाने का अपना सपना दोहरा दिया और विवादित टिप्पणी कर डाली। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि भारत में रहना होगा तो सीताराम कहना होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत बाबर का नहीं बल्कि रघुवर और बजरंग बली का देश है। और अब बहुत हो गया, भारत में रहना होगा तो सीताराम कहना होगा। हाँ, ये बजरंग बली का देश है, बाबर का नहीं, ये रघुवर का देश है। बता दें कि प्रदेश के वन मंत्री विजय शाह के विशेष निमंत्रण पर बाबा बागेश्वर धाम श्री हनुमंत कथा और श्री राम कथा सुनने हरसूद आए थे। खंडवा के हरसूद विधानसभा से विधायक और प्रदेश के वन मंत्री विजय शाह के लगभग 5 बार दिए निमंत्रण के बाद बाबा बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री शनिवार और रविवार को हरसूद में चल रही कथा में शामिल हुए। इस दौरान पंडित शास्त्री ने भक्तों को श्री हनुमंत कथा के साथ ही राम कथा का श्रवण कराया और कथा के साथ उन्होंने अपना दिव्य दरबार भी यहां लगाया। इसी बीच पंडित शास्त्री ने कथा श्रवण करने आए जनसमूह से हिंदू राष्ट्र बनाने का आह्वान भी किया, तो वहीं उन्होंने कहा कि हमें दान मान नहीं, हमें तो तुम्हारे दिल में हनुमान चाहिए। पीठाधीश्वर शास्त्री ने एक बार फिर से हिंदू राष्ट्र बनाने की अपने संकल्प को दोहराया और भरी सभा से कहा, कितना कह देते हैं मेरे पागलों, अगर बालाजी की कृपा रही तो हम कितना कह सकते हैं, अपने हनुमान जी के चरणों के प्रताप से जब तक तन में प्राण रहेंगे तब तक हम हिंदू राष्ट्र बनवाने का संपूर्ण प्रयास करके ही मानेंगे। हमें दान मान नहीं, हमें तो तुम्हारे दिल में हनुमान चाहिए। इतना कह देते हैं मेरे पागलों, अगर बालाजी की कृपा रही तो हम इतना कह सकते हैं अपने हनुमान जी के चरणों के प्रताप से, जब तक तन में प्राण रहेंगे तब तक हम हिंदू राष्ट्र बनवाने का पूर्ण प्रयत्न करके ही मानेंगे। जिसके बाद उन्होंने आगे कहा कि अब बहुत हो चुका है, भारत में रहना होगा, सीताराम कहना होगा। इतना ही नहीं, उन्होंने आगे कहा कि अब बजरंग बली का देश है, बाबर का नहीं, ये रघुवर का देश है। अपनी इस विवादित टिप्पणी पर उन्होंने व्यासपीठ से वहां मौजूद जनसमूह को सफाई देते हुए मंच से कहा, बहुत हो गया, अब नहीं चलेगा, हमसे लोग कहते हैं आप ऐसी बातें बोल देते हो जिससे लोग भड़क जाते हैं। हमने कहा हम भड़काते नहीं, हिंदुओं को जगाते हैं। अब किसी का पेट खराब है तो हम क्या ही कर ले भाई, किसी का पेट खराब है तो आज मोला की गोली खाए, हमें क्या लेना देना। बहुत हो गया, हम नहीं चलेगा, लोग हमसे कहते हैं कि आप ऐसी बातें बोल देते हो जिससे लोग भड़क जाते हैं। हमने कहा हम भड़काते नहीं है, हिंदुओं को जगाते हैं। अब किसी का पेट खराब है तो हम क्या कर लें भाई, किसी का पेट खराब है हाजमोला की गोली वो खाए, हमें क्या लेना देना। जिसके बाद पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने अपनी हिंदू राष्ट्र बनाने की लालसा को फिर से दोहराया, जनसमूह को आगे से कहा कि मेरे पागलों एक ही प्रार्थना है, तुम्हारा स्वार्थ दरबार का है, हमारा स्वार्थ हिंदू राष्ट्र का। तो मेरे पागलो, एक ही प्रार्थना है, तुम्हारा स्वार्थ दरबार का है, हमारा स्वार्थ हिंदू राष्ट्र का है। बोलो सीताराम, भारत हिंदू राष्ट्र की, भारत हिंदू राष्ट्र की। साधु जी तुम हमारा साथ दो, हम मिलकर तुम्हें हिंदू राष्ट्र देंगे। कौन कौन भारत हिंदू राष्ट्र चाहता है, लिख दो दीवालों पर, मोबाइल देखना बंद करो, मोबाइल पर हिंदू राष्ट्र नहीं बनना है, आओ घर से बाहर निकलकर भारत हिंदू राष्ट्र की पहल प्रारंभ करते हैं। वीके न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, दिल बोलेगा देश सुनेगा।